Hello students, my name is Ashish Birkar. I'm from St. Wilfrid College Arts Science Panvel from the Department of Physics. We have started the lecture series on classical physics. This is our third lecture. In first lecture, we saw what is the concept of force, what are the Newton's laws of motion. We saw inertial frame of references. Uske baad force ka unit kya hota hai, wo hum logon ne dekha. In second lecture, we have applied those Newton's laws of motion to the examples like Atwood's machine or example mein hum logon ne kya kiya ki Atwood's machine ko hum logon ne ek wedge pe rakh ke uska bhi example hum logon ne dekha ki jisme hum logon ne masses ke acceleration aur wire ke beech ka jo tension hota hai wo tension hum logon ne calculate kiya. We are going to do some examples here as well. So as third example, we are going to apply Newton's second law to the uniform circular motion. और हम लोग देखेंगे कि उसका acceleration क्या होता है. उसके बाद हम लोग conical pendulum देखेंगे, which is most important topic in these examples. And then we are going to see maximum speed of a car. That is, whenever the car is moving in a circular path, उसका maximum speed क्या होना चाहिए वो circular path पे रहने के लिए. ठीक है. So we'll start with the Newton's second law applied to the uniform circular motion. So in uniform circular motion, the velocity v is a uniform or that is constant velocity. The circular path ka jo radius hota hai wo circular path ka radius r hum log ne consider kiya, and then it experiences the acceleration a suffix r as a magnitude v square upon r. This acceleration is called as a centripetal acceleration. Ab isko centripetal acceleration kyu bolte hain, kyunki jo acceleration hai wo acceleration towards the center, uska jo एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो कंपोनेंट टूवर्ड्स द सेंटर है. कौन से सेंटर का? जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो वो जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो सर्कल का जो सेंटर है. सो अलोंग द रेडियस द एक्सेलरेशन इज वर्किंग एंड दैट अलोंग द रेडियस द एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कहाँ पे रहेगा? टूवर्ड्स द सेंटर. यू नो दैट एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर. इसकी वजह से उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल. तो सेंट्री मतलब सेंटर, सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर. तो टुवर्ड्स द सेंटर उसका एक्सेलरेशन. सो कंसीडर अ बॉल ऑफ मास m टाइड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r एंड बीइंग बेल्ड एट कांस्टेंट स्पीड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ. तो हम लोगों ने एक बॉल को स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में एक रेडियस r सर्कल में घूम रहा है. सो इट्स वेट सपोर्टेड बाय द लो फ्रिक्शनल टेबल. तो वो जो है वो एक लो फ्रिक्शनल टेबल्स पे घूम रहा है. व्हाई डज द बॉल मूव इन अ सर्कुलर मोशन? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ द बॉल टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि बॉल स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रहा है. देखो यहाँ पे बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोगों ने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है. इसकी वजह से होगा क्या कि ईच एंड एवरी टाइम इट विल बी पुल इन साइड द पुल, इट विल गेट अ पुल इन साइड. तो उसकी वजह से क्या होगा कि इट विल नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल चेंज द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली. और कंटिन्यूअस चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, जहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है. ठीक है. तो ऑफकोर्स उसके आगे क्या, हाउएवर द स्ट्रिंग प्रिवेंट्स द मोशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाय एग्जर्टिंग अ बॉल फोर्स दैट मेक्स इट अ सर्कुलर पाथ. तो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या करती है, वो बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है. उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बॉल है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, वो वो बॉल जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करता, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है. सो ईच एंड एवरी टाइम द स्ट्रिंग्स एक्सर्ट्स अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो यू नो दैट फ्रॉम द सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन होता है. तो हम लोगों ने देखा एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर होता है. तो इसलिए जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है. सो इफ यू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन के अलोंग अगर न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं, सो वी फाइंड दैट द नेट फोर्स कॉजिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी इवैल्यूएटेड एज एम सफिक्स ए आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो एक्सेलरेशन क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर. तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो दोनों जगह पे अगर हम लोग मास क्वांटिटी डालते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर. राइट, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो हियर इन द फिगर यू कैन सी दैट कि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग बॉल को टूवर्ड्स इनवर्ड्स खींच रहा है और जो बॉल है वो बॉल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है. तो दोनों का बैलेंसिंग फोर्स जो है वो बैलेंसिंग फोर्स बॉल को क्या करता है, सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करवाता है. ओके, सो हाउ फास्ट इट कैन स्पिन, क्वेश्चन ये आता है कि जो बॉल है वो बॉल कितने फास्टली मूव स्पिन कर सकता है.
है, उसका वेलोसिटी, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अ बॉल ऑफ लेट्स से मास 0.5 kg, मतलब हाफ के जी का बॉल है, इज अटैच टू द एंड ऑफ द कॉर्ड ऑफ 1.5 मीटर, तो उसका रेडियस कितना हो गया 1.5 मीटर। सो बॉल इज बियर्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डायरेक्शन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डायरेक्शन पे वो बॉल को हम लोग घुमा रहे हैं। सो इफ द कॉर्ड इज विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 50 न्यूटन, मतलब क्या है कि उसका जो कॉर्ड जो है वो 50 न्यूटन के टेंशन तक वो संभाल सकती है, क्योंकि 50 न्यूटन के टेंशन पे जाने के बाद क्या होगा कि जितना जोर से हम लोग बॉल को घुमाने की कोशिश करेंगे उतना ही फोर्स बॉल आउटवर्ड डायरेक्शन में भी लगाएगा, जितना सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इनवर्ड डायरेक्शन में उतना जो बॉल है वो उसके डायरेक्शन में, जो स्ट्रेट लाइन में वो बॉल जाने की कोशिश कर रहा है उस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। तो वो जो टेंशन होगा वो टेंशन हम लोग मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली वो टेंशन हम लोग ज्यादा से ज्यादा 50 न्यूटन तक हम लोग उसको वो स्ट्रिंग झेल सकती है, उसके आगे क्या होगा वो स्ट्रिंग टूट जाएगी, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हाट हैपन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल एट दैट कैन अटेन बिफोर द कॉर्ड ब्रेक्स, अज्यूम दैट द स्ट्रिंग रिमेन्स द हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा अगर बॉल घूम गया तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड जो है वो कॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, तब तक उसके पहले क्या हो जाएगा, उसके पहले जब तक वो बॉल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तब तक वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है और उस वो जो है वो स्टेडी है, वही डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है। सो इट इज तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हाट माइट बी रीजनेबल वैल्यू फॉर द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है हम लोग कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो वी नो दैट इट कैन नॉट बी टू लार्ज, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या 100 मीटर पर सेकेंड से इतना ज्यादा स्पीड से तो वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि 100 मीटर पर सेकेंड तो बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, ठीक है, उसके पहले ही वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट कि जो टेंशन बॉल के ऊपर अप्लाई हुआ है, ठीक है, जो टेंशन बॉल के ऊपर अप्लाई हुआ दैट टेंशन इज एक्जैक्टली बैलेंसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसकी वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, तो टेंशन जो है दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो इट इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर अपॉन आर। सो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी आर अपॉन एम। सो दिस शोज दैट द वी इज द इंक्रीजेस विद द टेंशन टी, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी टी टेंशन के साथ इंक्रीज हो रही है विथ लार्जर मास एम। तो अगर मास ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंक्रीज हो, अगर उसका मास कम है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, अगर उसका मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम इंक्रीज होगी। सो बेसिकली वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इट इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा उसका वेलोसिटी होगा, ओके, सेम टेंशन पे, मतलब वहां पे जो टेंशन है वो टेंशन हम लोग कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को टेंशन दिया हुआ है। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बॉल कैन हैव करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टेंशन, सो व्हाट वी कैन से दैट वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी मैक्स आर अपॉन एम। तो अगर हम लोग उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करते तो क्या आ जाएगा, ये 12.2 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा बॉल का, 12.2 मीटर पर सेकेंड। तो 12.2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा अगर बॉल मूव कर गया तो उससे क्या हो जाएगा, बॉल का जो कॉर्ड है वो कॉर्ड टूट जाएगा और बॉल जो है वो एक पर्टिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो टूटा है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो चला जाएगा, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में टूट गया तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो चला जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में भी वो टूटेगा वो पॉइंट के सर्कल के टेंजेंट डायरेक्शन में वो बॉल फेंका चला जाएगा। सो एज एन एग्जांपल कैलकुलेट द टेंशन इन द कॉर्ड इफ द स्पीड ऑफ द बॉल इज 0.5 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम लोग यही सब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोगों को टेंशन कितना मिलेगा, तो हम लोगों का पास क्या है, ये जो स्पीड है ये स्पीड के ऊपर हम लोगों को टेंशन कैलकुलेट करना है और हम लोगों के पास रेडियस ऑलरेडी दिया है 1.5 मीटर। तो अगर हम लोग उसका टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं जस्ट सब्स्टिट्यूट एमवी स्क्वायर अपॉन आर, तो हम लोगों का टेंशन जो होगा, एज आई सेड अर्लियर लेक्चर में मैंने बोला था कि टेंशन इज जस्ट अ फोर्स, तो जो टेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8.33 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा टेंशन क्या आया, 8.33 न्यूटन। ओके, सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, बेसिकली इट इज जस्ट अ सिंपल पेंडुलम कि जिसमें एक स्ट्रिंग है जो बॉल के ऊपर अटैच्ड है, वो स्ट्रिंग के लास्ट एंड में एक बॉल अटैच्ड है मास एम का, लेकिन वो बॉल मतलब वो जो है वो स्विंग नहीं कर रहा है, वो एक सर्कल में घूम रहा है। तो बेसिकली वो सर्कल में घूमने की वजह से क्या कर रहा है, वो एक कोन को ट्रेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम। सो पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, द ऑब्जेक्ट रिवॉल्व विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी इन अ हॉरिजॉन्टल
circle of radius r. Okay, so because the string swap out the surface of a cone, the system is known as a conical pendulum. So conical pendulum इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो string होता है वो swing क्या करता है, swap out the surface of the cone. जैसे मैंने बोल रहा था, find out the expression for velocity. तो उसका velocity expression क्या है वो हम लोगों को check करना है. So solution, let choose the theta representing the angle of the string with the vertical. तो ऑफ कोर्स हम लोग एक कोई तो कोन ट्रेस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो रेडियस है वो रेडियस के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक थीटा एंगल होगा. वो थीटा एंगल सब जगह पे कांस्टेंट होने वाला है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो हम लोगों के पास फ्री बॉडी डायग्राम दी हुई है. ये जो नीचे है वो फ्री बॉडी डायग्राम है. ठीक है, सो टी इज अ टी एग्जर्ट्स बाय द स्ट्रिंग इज रिवॉल्व इन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टी इज नथिंग बट टी कॉस थीटा. तो बेसिकली जो टेंशन है वो टेंशन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व है. एक तो वर्टिकल कंपोनेंट है कॉस थीटा जैसे मैं बोल रहा था हमेशा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है टी साइन थीटा. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस टू कंपोनेंट्स एंड वी आर गोइंग टू चेक क्यू क्या होता है. तो हम लोगों को इसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए कंपोनेंट का. पेंडुलम का तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास है, हम लोगों को कंपोनेंट्स का फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए. सो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों के पास बाजू में दिया हुआ है. ओके, so because the object does not accelerate in a vertical direction में object accelerate हो रहा है क्या, नहीं, वो circular direction में accelerate हो रहा है. तो vertical direction में उसका force क्या रहेगा एक point पे, fy is equal to ay is equal to zero, मतलब उसका force in the y direction क्या होगा zero. the upward vertical component t must be balance the downward vertical gravity. so क्या हो जाएगा, upward vertical component t जो है वो downward gravity को balance कर रहा है. so t cos theta is equal to mg. so हम लोगों को first equation मिला t cos theta is equal to mg. और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके साथ बैलेंस है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस है. सो यू कैन से दैट कि जो रेडियल कंपोनेंट है वो रेडियल कंपोनेंट क्या है टी साइन थीटा है, और वो क्या हो गया ए एम ए आर, दैट इज ए आर इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज नथिंग बट उसका फोर्स क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा. तो ऑफकोर्स हम लोगों के पास क्या है टी साइन थीटा है टी कॉस थीटा है. तो अगर हम दोनों ने फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड किया तो हम लोगों को क्या मिलेगा t sin theta upon t cos theta, tt cancel हो जाएगा, हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा tan theta, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा mv square upon r divided by mg. तो mm cancel हो जाएगा, क्या मिलेगा v square upon rg. तो tan theta is equal to v square upon rg. तो v क्या मिलेगा square root of rg tan theta, right? So from the geometry, तो अगर हम लोग geometry apply करेंगे तो r is equal to l sin theta. रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा. ऑफ कोर्स अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो ये जो रेडियस है तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से रेडियस क्या हो जाएगा इज नथिंग बट द थीटा का अपोजिट साइड हो जाएगा. तो अपोजिट साइड इज नथिंग बट द साइन थीटा, राइट. अपोजिट साइड को हम लोग साइन थीटा से डिफाइन करते हैं. सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस इज नथिंग बट साइन थीटा. सो दैट्स व्हाई आर अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा, हिंस आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा. तो आर के जगह पे हम लोग क्या सब्सिट्यूट करेंगे एल साइन थीटा सब्सिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा therefore we get velocity is equal to square root of lg sin theta tan theta. okay, note that the speed is independent of the mass of the object. jo speed hai wo mass ke upar depend nahi kar raha, theek hai, because we are considering the frictionless motion of the conical pendulum. theek hai, so that's it for this lecture students. in this lecture what we have seen is the conical pendulum. jo third wala topic hai maximum speed of a car, ye hum log next lecture mein dekhenge, and then we will see one more example. Okay, so that's it for this lecture. Please come back to the next lecture. We are going to have two more examples for that. So thank you.